इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। चाहिए उन्होंने पूछा था कि ये मस्जिद के अंदर जो लोग बैठे होते हैं नमाज के इंतज़ार में, फिर आने वाला शख्स जो है ना वो सलाम करता है सबको, सभी लोग सलाम सुनते हैं, बाज़ लोग जवाब देते हैं, बाज़ लोग नहीं देते, और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जवाब नहीं देते लेकिन आने वाला ज़ोर से सलाम करता है सबको, तो ये करना चाहिए? और अगर किसी ने किया तो इसका जवाब ना देने वाले लोग गुनाहगार होंगे या नहीं होंगे? असल में जो लोग कुरान पाक पढ़ने में या ज़िक्रुल्लाह के अंदर जो हैं वो बिज़ी हों, इसी तरीके से नमाज के वक्त का भी, नमाज का भी इंतज़ार कर रहे हों नमाज के वक्त में, यानी नमाज का इंतज़ार करते हुए, तो इन तमाम लोगों को सलाम करना नहीं चाहिए। आने वालों को चाहिए कि अवलन तो इनको मस्जिद में जब एंट्री हो तो बुलंद आवाज़ से सलाम ना करें, और अगर बिलफर्ज़ किसी ने सलाम कर दिया तो नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए शख्स को सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई दे ले दिल में तो वो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि सलाम का जवाब भी इतनी ही आवाज़ में देना ज़रूरी होता है जहाँ वाजिब होता है कि सलाम करने वाला भी सुन ले। अब ये क्योंकि गेट में एंट्री हुआ, इसने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे सबको बस सलाम किया और अपने वजू खाने पर चला गया, तो कोई भी शख्स इतनी बुलंद आवाज़ से वहाँ से भी जवाब नहीं दे सकता कि ये सुन ले। तो यहाँ भी जो है ना सलाम के मामलात जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं होते। तो सलाम जो नमाजी नमाज के इंतज़ार में हो उनको सलाम मस्जिद में जाने पर सलाम नहीं करना चाहिए बुलंद आवाज़ से, और जो लोग बैठे हैं उनको जवाब देना वाजिब नहीं। अगर वो जवाब नहीं भी देंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। अलबत्ता जवाब देना जायज़ है, अगर देना चाहें तो कोई इसमें ममानियत नहीं है। अगर किसी के करीब कोई शख्स है वो जवाब दे देगा उसको तो भी हो जाएगा। और मजलिस में जब सलाम पेश किया जाता है तो उसमें तमाम लोगों को जवाब देना वाजिब नहीं होता, बल्कि मजलिस में अगर कोई एक शख्स भी जवाब दे देगा तो तमाम के सर से मामला जो है वो हल हो जाएगा, वो भी उस मजलिस में कि जहाँ जवाब देना वाजिब है। और ऐसे नमाज के इंतज़ार वालों को जवाब देना ज़रूरी नहीं, इनकी इख्तियार है, अगर ये नहीं देंगे तो भी हर्ज वाली बात नहीं। पत्थर में असल लाले।